हेलो टॉर्स, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है इन दोनों के लाइफ में। तो इस रीडिंग में मैं ये बता दूं कि थर्ड पार्टी से मेरा मतलब रोमांटिक इंटरेस्ट ही है। तो ये रीडिंग आपके लिए तभी है जब आपको पता है कि आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा इनके साथ रिलेशनशिप में है, या फिर आपको डाउट्स है, आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है। तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकें। तो मैं इसमें सब कुछ देखने की कोशिश करूंगी कि क्या ये मूव ऑन कर गए हैं, आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, या इस थर्ड पार्टी के साथ इनके हालात कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस। Two of Swords, the Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, the Moon, and Ace of Wands. Okay, Two of Swords. लगता है आपके पर्सन ने फाइनली सोचना शुरू कर दिया है कि क्या सही है और क्या गलत। फाइनली इस पर्सन ने ये देखना शुरू कर दिया है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं, क्योंकि इससे पहले ये इमैच्योर पर्सन सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा था कि उन्हें कौन सी चीज़ हैप्पीनेस दे सकती है। टेम्प्रोरी हैप्पीनेस के पीछे ये अक्सर उन चीज़ों को गवा देते हैं जो इनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी। और ये बात सिर्फ रिलेशनशिप तक ही नहीं है, ये पर्सन हर केस में ऐसा करते आया है। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ टॉरस, अब तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या जिसे वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून समझ रहे थे वो वाकई में उनको लेके सीरियस है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रही आपके पर्सन के साथ। मतलब उन्हें तो ऐसा ही लगता है आपके साथ जो रिलेशनशिप में रह ले टॉरस, वैसे भी उसके लिए प्यार की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, लॉयल्टी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। आप जोडियक्स में सबसे ज़्यादा लॉयल साइंस में से एक होते हैं। एंड अब ये पर्सन आपसे थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहा है, एंड प्रॉब्लम ये है कि ये थर्ड पार्टी आप नहीं हैं, और ये समझने में इस पर्सन को काफ़ी देर लग गई। ओके, तो जब शुरुआत में ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आया था तो इन्हें लगा था कि ये पर्सन, ये थर्ड पार्टी उन्हें आपसे भी ज़्यादा प्यार करेगी और आपसे भी ज़्यादा खुश रखेगी। बट अब हालात ये है कि ये पर्सन सोच रहा है कि क्या ये थर्ड पार्टी उन्हें लेके सीरियस भी है, इस थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही इस पर्सन को, कम से कम वैसी तो नहीं जैसी कि आप देते थे। और ये बात इस पर्सन को बहुत खल रही है, क्योंकि उन्हें तो पड़ चुकी है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने की आदत, और अब वो उसी चीज़ से हर रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो शुरुआत में इस पर्सन को लगा था कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, उनकी किस्मत खुल गई कि उन्हें ये थर्ड पार्टी मिली, उन्हें लगा था कि सब कुछ अच्छा ही होगा। बट अब ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को इस मून की तरह देख रहा है। मून की तरह देखने का मतलब है कि सिर्फ एक तरफ का फेस देख पा रहा है, दूसरे तरफ का फेस हिडन है अभी भी। ओके, डार्क है और हिडन है। आपके पर्सन को धीरे धीरे ये लगने लगा है जैसे कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो पूरी तरह से वो समझते नहीं। ओके, वो एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जो कभी भी उन्हें सरप्राइज कर सकता है। आजकल उन्हें ये भी डर लगने लगा है कि पता नहीं कब ये थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे दे या उन्हें गुड बाय कह दे। और हाँ, आपके हिसाब से ये थर्ड पार्टी काफ़ी स्लो है। लाइक ये पर्सन आपको और इनको जब कंपेयर करता है तो उन्हें लगता है कि जितनी तेज़ी से आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे थे या कंटिन्यू करना चाहते थे, जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर थी, उस हिसाब से ये थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है। एंड ये भी बात इस पर्सन को बहुत इनसिक्योर कर रही है। ये पर्सन काफ़ी डरने लगा है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स उन्हीं की मांगी हुई विश थी, यूनिवर्स ने उन्हें दे दी, उन्हें यह थर्ड पार्टी चाहिए थी, यूनिवर्स ने उन्हें इस थर्ड पार्टी से मिलवा दिया, वो एक रिलेशनशिप में आ गए।
और अब ये सोच रहे हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं मांग लिया, नसीब ने मेरा साथ दिया, मुझे वो ऑफर किया जो मुझे चाहिए था, और मैंने अपने लिए ये मांग लिया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गवा दी। तो टॉरस इस पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि उनके कुछ डिसीजन सही नहीं थे। ये पर्सन पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है, अपने डिसीजन को एनालाइज करने की कोशिश करता है, और सोचता है कि कैसे वो सब कुछ चेंज करे। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द एम्प्रेस एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो हमारे पास है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन काफी डिफेंसिव हो गया है, खुद को डिफेंड कर रहे हैं, लगता है लगातार कोशिश है कि कैसे खुद को बचाएं, लगातार अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के सामने। अब ये थर्ड पार्टी लग रहा है कि इन्हें ब्लेम भी कर रही है किसी ना किसी चीज़ के लिए। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत पेशेंस रखे हुए है, आपका पर्सन कोशिश कर रहा है कि कोई रास्ता निकले इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन अभी गिव अप नहीं करना चाहता इस थर्ड पार्टी के साथ, सोच रहे हैं वो कि कुछ चेंज हो सकता है या कुछ बदल सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये पेशेंस रख कर देखना चाहते हैं कुछ वक्त। हालांकि द फूल का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन और इनके बीच कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इस मंथ में कुछ आर्ग्यूमेंट ज़रूर हो सकती है इनके और थर्ड पार्टी के बीच, जैसा कि मैंने कहा कि ये थर्ड पार्टी इन्हें ब्लेम करना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी किसी ना किसी वजह से। द एम्प्रेस के साथ टॉरस इस पर्सन को डेफिनेटली याद है कि आप उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करते थे, किस तरीके से आप उन्हें प्यार किया करते थे, और इस पर्सन को उम्मीद है द एम्प्रेस के प्यार की किसी और से। बट द एम्प्रेस तो द एम्प्रेस ही है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, ये बात इस पर्सन को अब जाके समझ में आ रही है। ओके नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को मैं अपनी फीलिंग्स से भी लड़ता हुआ देख रही हूँ, लगातार खुद से जिद कर रहे हैं कि उन्हें मूव ऑन करना ही है या पास्ट में नहीं जाना, क्योंकि बात फिर से वही हो जाएगी। हो सकता है कि वो आपको फिर से हर्ट करे और फिर से वही चीज़ें हो जो हुई आप दोनों के बीच। ये पर्सन खुद को कन्विंस कर रहा है कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, ये फीलिंग्स कुछ समय के बाद नहीं रहेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनके अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, और इसके अलावा ये है अंदर से आने वाले वॉइस के बारे में। वॉइस से मेरा मतलब इनका सबकॉन्शियस इन्हें बार बार ये फील करवा रहा है कि इन्होंने क्या गलती की है, और इनके लिए ट्रुथ को फेस करना मुश्किल हो गया है। टॉरस ये पर्सन अपने सोल से नहीं भाग सकता, और वही चीज़ इस पर्सन को परेशान कर रही है, क्योंकि इनकी सोल ने बार बार मिरर दिखा रही है, एक्सक्यूज मी, मिरर दिखा रही है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। नो वेट पोस्टपोन पॉज से नो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल कोई डिसीजन मत लीजिए। ओके एंड अगर आपके पास उस पर्सन का प्रपोजल भी आता है तो भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको सिर्फ इसलिए अप्रोच करना चाहे क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है आपसे अनकंडीशनल लव पाने की। शायद अभी तक इस पर्सन का बदलने का कोई इरादा नहीं बना। ओके
अभी ये पर्सन इस लेवल पर नहीं पहुंचा कि इस बात को इतनी सीरियसली ले कि खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है उन्हें। तो अभी फ़िलहाल आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा, चीज़ों को पोस्टपोन कर दीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इनकी और थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।